हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मोटर फिटिंग करने। टुल्लू पंप, देखिए CRI का पंप है, ये देखिए। अब इसका ओपनिंग कर रहा हूँ। देखिएगा इसका, देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। पैकिंग खोल दिया है, ये आपका पंप हो गया। और पंप के साथ आपका एक ये कार्ड मिलता है, जो आपका गारंटी वारंटी कार्ड शायद होता है ये, लेकिन गारंटी वारंटी कार्ड ही है। इसको रख देता हूँ इधर। फिलहाल मैं मोटर को फिट करने के लिए इसमें क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे फिट करना है ये देखता हूँ, दिखाता हूँ। सॉरी देखिए, मोटर में सबसे पहले इस ढक्कन को खोला जाता है। इस ढक्कन का हमारा कोई काम नहीं होता है, इसको इसमें डाल दिया। ये भी ढक्कन का कोई काम नहीं है, दोनों तरफ का ढक्कन हमने निकाल दिया। और उसके बाद ये जो यहाँ पर है ना, रबर टाइप का जो होता है वाल्सिल, इसको इस तरह से बड़ा मुलायम सा होता है, इस तरह से निकाल लिया। और निकालने के बाद ये इधर आपको चेक वाल्व आता है, मोटर की तरफ से ही रहता है मिला हुआ। ये देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से चेक कर लेंगे कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमें MTA दोनों तरफ फिट कर लेना है, इस तरफ का भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ। और उसके बाद हम फिट करके आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं कैसा है, और सप्लाई में इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। पानी उन्हें चालू करवा के फिर आपको दिखाएंगे। ज़्यादा मोटर में कुछ नहीं करना पड़ता है, स्टार्टिंग मोटर में यही करना पड़ता है, और उसके बाद लगाने के बाद ये इसमें से एयर निकालना पड़ता है, ठीक है। एक ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी MTA लगाइएगा तो 30 राउंड कम से कम इसमें आपको मारना है टेप, ये वाला जिसे थ्रेड सील बोलते हैं, इसको इस तरह से डाल के, और थोड़ा सा सोल्यूशन ये जो है हल्का लगा लिया जाए, उसके बाद इसमें टाइट कर दिया जाए। वो इसका 30 राउंड मारने का रीज़न ये है कि लीकेज कभी भी प्रेशर से नहीं करेगा, इस वजह से दिया जाता है थ्रेड सील। देखिए इस तरह से हाथ की मदद से पहले टाइट किया जाएगा बैठा कर, उसके बाद जैसे आपको रिंच लगाया जाएगा। एक और ख़ास ख्याल रखिएगा, जब भी इसे टाइट कीजिएगा तो बड़ा हल्के हाथों से टाइट करना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कड़ा हाथ से अगर टाइट कीजिएगा तो ये फट भी सकता है अंदर से, जो आपको फटने के बाद अगर ज़रा सा भी नहीं पता चल पाया तो ये आपका सिपेज करते रहेगा, इसका भी ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। देखिए मोटर को फिट कर दिया है, अभी तार नहीं होने की वजह से इसको कनेक्शन नहीं किए हैं, ये लाल पीला लाल और काला में तार का कनेक्शन करके, और उसके बाद यहाँ से एयर पान भी एयर निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर इसका इनपुट आउटपुट लाइन जो है इसमें से भी पानी डाल के एयर निकाला जा सकता है। जैसे हमने इस तरह का बनाया है गार्डन पाइप लगाने वाला सिस्टम, इसमें से पानी इस तरह से डालकर और एयर को निकाला जाता है, और वहाँ से भी निकाला जाता है दोनों तरफ से, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।